सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और लोग इस तरह से लगन से लगे हुए हैं कि एक बार पास होने के बाद सारा देवी महात्म्य उन्होंने पढ़ डाला, सारा उन्होंने आदि शंकराचार्य को पढ़ डाला, उन्होंने सारा बाइबल में ढूंढ निकाला कि कुंडलिनी कहाँ है क्या, और सब उसको निकाल करके आज भी आप सोचे कि 300 आदमी इंडिया आने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं थी, इसलिए वो आ नहीं पाए। तो भी 15-20 आदमी वहां से खुद अपना खर्चा करके आए, और हर एक जगह जहां हम जाते हैं वहां सहयोग कैसे कार्यान्वित है उसे देखते। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे ग्रामों में हजारों लोग खटाखट पार हो जाते हैं, लेकिन आपके बंबई शहर में तो बहुत ही कमाल है कि यहां लोग पार होते भी हैं फिर यहां का सहयोग सबसे धीरा और सबसे धीमा और सबसे ही छोटा रह जाता है। न जाने क्यों, कल भी मैंने कहा था कि 9 साल से मैं यहीं पे बर्थडे जिद्दन मनाती हूँ, हालांकि दिल्ली में बहुत काम हुआ, यहां से कितने ही ज्यादा लोग वहां पार हो गए, वहां 3 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन बंबई शहर के लोग मेरे ख्याल से इतने इनर्शिया में बैठे हों, पैसे की ऐसी पकड़ उनके ऊपर बैठी हुई है, न जाने या तो इस पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना आ गया है कि यहां के लोग बहुत ही मुश्किल से जमते हैं, सहयोग में पाना आसान है जमना मुश्किल है। आप लोग हिंदुस्तानी लोग बहुत जल्दी पार हो जा सकते हैं, बहुत जल्दी होते भी हैं, और एक भी परदेशी होगा उसमें 8-8 दिन मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब वो पार होता है तो मुझे लगता है कि कुछ फायदा होगा, क्योंकि जमने वाली चीज है। और हिंदुस्तानी हजारों भी हो जाए तो भी व्यर्थ है, क्योंकि इनको कोई भी किसी चीज की कदर है नहीं, अपनी ही जिन्हें कदर नहीं है उनसे फिर क्या कहा जाए। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहती हूँ कि आज आप अगर पार हो भी जाए, आप इसे पालें तो आगे से बढ़ाएं। हमारा यहाँ सेंटर है, हमेशा हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, कृपया उसमें आप लोग सम्मिलित हों। पर ऐसा है कि लोगों को जब तक आप बड़ा भारी हॉल न रिजर्व करें, जब तक आप बड़ी शानदार चीज न हो, लोगों में इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं कि वो सादी जगह जाना नहीं चाहते। ये बड़ी दुख की बात है, अपने को पाने के लिए लोग जंगलों में जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं। अब आपके घर में ही अगर गंगा बहकर आई है तो उसका वरण करना चाहिए, अपना सम्मान करना चाहिए, और समझना चाहिए कि कितनी अलभ्य चीज हमें मिली है, अमूल्य चीज मिली है, इतनी सूक्ष्म चीजें इसे बढ़ाना चाहिए। बात बात में ये चीज खोना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के खोने से आपको क्या फायदा होने वाला है, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, लेकिन जो चीज पाई हुई है वो आपने अनंत की तपस्या से पाई हुई उसे खो करके यही कहा जाएगा कि अब आपके लिए कौन सा स्थान बना है, ना तो आप नर्क में जा सकते हैं ना स्वर्ग में जा सकते हैं। आपके लिए कोई भी स्थान परमात्मा को समझ में नहीं आएगा कि ऐसे अकलमंद लोगों के लिए कौन सा स्थान बनाया जाए। इसलिए आपसे कृपया विनती है कि आप अगर इसको पा भी लें तो इसको आगे बढ़ाएं। हमारा सेंटर है, आप यहाँ से किताब ले जाएं और ये लोग आपको समझा देंगे वहां पर, और उसको समझ लें, पूरी तरह से इसमें गतिमान हो, और आप सेंटर में जरूर जाया करें और वहां अपनी प्रगति करें। ये विशुद्धि चक्र की बात है, जब कुंडलिनी विशुद्धि चक्र को लांघ जाती है तो आज्ञा चक्र पे आ जाती है। आज्ञा चक्र जो है ये हमारे ऑप्टिक थैलेमस जो जहां पर क्रॉस करते हैं उसके सेंटर में बराबर एक बड़ा सूक्ष्म सा सेंटर है। इससे हमारा पिट्यूटरी और पीनियल दोनों ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं, और इसी से हमारी आंख पर भी असर आती है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व भी वहां से गुजरती है, जिसका आज्ञा चक्र जहां पर कि मेरा सिंदूर लगा हुआ है ये खराब हो जाता है कि बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है, पागल आदमी का यह आज्ञा चक्र खराब हो जाता है। यह आज्ञा चक्र खराब होने से आदमी बहुत अहंकार भी हो सकता है, या एकदम से उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा गिर भी जा सकती है। जब यह चक्र पीछे की तरफ खराब होता है तब वो आदमी जिसे हम सुपर ईगो का इन्फेक्शन कहते हैं, यानी ऐसे ऐसे बीमारियों से प्लावित होता है जिसमें कि उसे लिथार्जी आ जाती है, और सोते ही रहता है, हर समय रोते ही रहता है, और एक बीमार सा घूमते रहता है, उसे कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। इस तरह के जिनको हम पजेशन कहते हैं वो आते हैं, और जब सामने का चक्र पकड़ता है तब ऐसा आदमी बड़ा ही महत्वाकांक्षी हो जाता है और अनेक तरह के कार्य करने लग जाता है, और अपने मद में किसे नहीं मानता, और उसे लगता है कि मैं ही दुनिया में सब कुछ हूं। इस तरह से ये चक्र संतुलन को तोड़ देता है। ये चक्र जो है यहाँ पे गणेश जी का ही अवतरण है, और गणेश जी का अवतरण ईसा मसीह का है। अब ईसा मसीह जो हमारे देवी महात्म में महाविष्णु का वर्णन है, आप लोग शायद पढ़े हो, कुछ तो पढ़े ही होंगे जरूर, तो वो महाविष्णु का जो वर्णन है वो बिल्कुल ईसा मसीह से मिलता है, और वो गणेश जी से किस तरह से महाविष्णु तत्व बनाया गया उसको पढ़ने लायक है। अगर आप पढ़े तो आपको पता होगा मैं जो कह रही हूँ एक एक बात सही है। इस चक्र को जब कुंडलिनी लांघ जाती है तब आप निर्विचार हो जाते हैं, एकदम निर्विचार हो जाते हैं। आप अपने तरफ अगर चित्त दें तो आपके अंदर कोई भी विचार नहीं आ रहा। अधिकतर लोगों का ये होगा कि आप बिल्कुल साइलेंस में बैठे और आप अवेयर हैं, थॉटलेस अवेयरनेस आ जाती है, ये पहली निर्विचार समाधि जिसे कहते हैं वो घटना घटित हो जाती है। इसी घटना के साथ आपको आश्चर्य होगा कि आप किसी की भी कुंडलिनी उठा सकते हैं, अभी आप पार नहीं, अभी आपके अंदर से वाइब्रेशन नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप थॉटलेस अवेयरनेस में चले गए तो ही आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है कि आप किसी की बीमारी भी ठीक कर सकते हैं और थोड़ी बहुत कुंडलिनी भी उठा सकते हैं, लेकिन आप पार नहीं करा सकते। लेकिन जब ये कुंडलिनी इसे छेद देती है, जो कि सहस्त्रार हमारे 1000
साड़ियों से बंधा हुआ जो संस्कार है, जिसे लिम्बिक एरिया मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, उसको छेद करके इस तालु से जब कुंडली निकलती है तब वो अति सूक्ष्म सर्वव्यापी शक्ति में एकाकार हो जाती है। उस वक्त आदमी में एकदम से सामूहिक चेतना आ जाती है और उसके हाथ से हृदय का स्पंदन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सदाशिव का स्थान है वो हमारे सर पे और वही शिव हमारे हृदय में बसते हैं। जैसे ही वहां प्रकाश हो जाता है वैसे ही हृदय से आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर से बहने लग जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कंट्रोल कर लेते हैं। एकदम आपको लगता है कि ऊपर वेंटिलेशन से भी ठंडी ठंडी हवा सर में आ रही और हाथ में भी ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। ये चक्र का टूटना बहुत जरूरी है। जब तक ये चक्र नहीं टूटता, जब तक आपके संस्कार को कुंडलिनी नहीं छेदती, तब तक आप पार नहीं। अब इसके लिए आप कहें कि माँ हम क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी कड़ी बात आपसे नहीं कहना चाहते, इतना ही कहेंगे कि बेटा ये चक्र खराब है, ये चक्र खराब है, और वो ठीक हो सकता है। आपको इससे आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए कि हमने ये गलती की या हमने वो बुराई की, ये पाप किया है, कुछ नहीं, ये सब चीज टूट जाती है, क्योंकि पाप पुण्य भी आप अपने ईगो से करते हैं। पर ईगो और सुपर ईगो दोनों इस तरह से हट जाए तो फिर आप दूसरे ही हो जाते हैं। आप जो थे वो अब रहते नहीं, आप वो हो जाते हैं जिसे हम आत्मा कहते हैं। आप आत्मा के आंख से देखने लग जाते हैं। जब तक आप पानी में हैं तब तक आपको डूबने का डर रहता है, जैसे ही आपको हमने बोट में रख दिया आप पानी की ओर देखते रहते हैं। लेकिन इस बीच की जो स्थिति होती है कि जब तक आप ऊपर चढ़ जाए और पूरी तरह से स्थिर हो जाए, यही स्थिति जरा नाजुक होती है। इसीलिए सहयोग के लिए मैंने कहा है कि पाने के बाद भी आपको थोड़ा सा स्थिर होना पड़ता है। सहयोग में एक विशेष रूप से चीज होती है कि पहले दिन बहुत जोर की कुंडलिनी का अनुभव होता है, बहुत लोगों को होता है, पहले दिन इतना जोर का होता है कि वो आश्चर्य में हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर कुंडलिनी जाती है, क्योंकि आपके अंदर जो कुंडलिनी है वो हमें पहचानती है और उन्माद से, आवेग से और खुशी के मारे वो उछल पड़ती है और बाहर आ जाती है और आपको अनुभव हो जाता है। लेकिन इस अनुभव की स्थिरता इसलिए नहीं टिकती क्योंकि आपके अंदर अनेक दोष है, जैसे कि बाढ़ आकर के नदी आगे बढ़ जाए लेकिन उसके अंदर से गड्ढे वगैरह जो हो वो फिर बाद में भरने लग जाते हैं। उसी प्रकार कुंडलिनी जाकर आपके अनेक जो रोग हैं, आपकी जो तकलीफें हैं, उसको सबको भरते रहेंगे। लेकिन एक बार यह अनुभव होने के बाद ये होता नहीं है, थोड़ा उसको संजोना पड़ता है, जैसे कि बीज फलक भी जाए उस बीज को बहुत संजोना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है। अब आप सोचिए कि बीज का अंकुर इतनी सघन जमीन के अंदर से किस तरह से फूट कर निकलता है, लेकिन जब बाहर आता है तब उसको बहुत संभालना पड़ता है। उसी प्रकार है कि आपको भी अपनी रियलाइजेशन को बहुत संभालना पड़ता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप पाएं और इसका आनंद आ उठाएं। आज भी आपके मुंबई शहर में मैं कहूंगी हजारों लोग हैं जिन्होंने इसे पाया है और उसके आनंद में मुझे कभी कुछ मिल भी जाते हैं, कुछ चिट्ठी भी लिखते हैं, लेकिन आप भी इसे पा करके और संतुष्ट हो। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितने लोगों के हाथ में झंडा आ रहा है, आप इस तरह से हाथ।